प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने भाषणों में ये बात बोलते रहते हैं कि उनका सपना इस देश को कांग्रेस मुक्त बनाना है, वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं और ऐसा लगता है कि वो अपने सपने को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है संसद की, अब वो उन सांसदी में नहीं रहे हैं, उनकी सांसदी चली गई है, उन्हें लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है। यानी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी वायनाड से सांसद थे, अब वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं और उनकी बर्खास्तगी की वजह यह है कि एक मानहानि केस में उन्हें 2 साल की सजा हुई है और उस सजा का ऐलान जैसे ही हुआ तो यह सवाल उठ खड़ा हुआ था कि अब क्या राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य रहेंगे, लेकिन अब यह साफ हो गया आज कि उनकी सदस्यता को निरस्त किया जा चुका है। जो संसद की कार्रवाई करने वाली या संसद के कामकाज को देखने वाली जो एजेंसियां हैं उन्होंने इस बात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे हैं। अब यहां कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बताऊंगा कि कैसे राहुल गांधी कभी जिस कानून का, जिस ऑर्डिनेंस का खुद ही विरोध करते थे, आज उसी की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा है और ये वही कानून और ऑर्डिनेंस है जिसकी वजह से लालू यादव की भी सदस्यता चली गई थी। लेकिन उस पर आने से पहले मैं आपको ये मामला समझा देता हूँ कि दरअसल हुआ क्या है। हुआ ये कि राहुल गांधी ने अपने बयान में एक जिक्र किया था कि इस देश के सारे चोर मोदी क्यों हैं, वो नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे लोगों का नाम गिनवाते हैं और पूछते हैं कि सारे के सारे चोर मोदी क्यों हैं, और इस बात को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाता है। गुजरात की कोर्ट में वो कन्विक्ट घोषित किए गए, कल वो उसमें फैसला आया था जिसमें उनको 2 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया, उन्होंने माफी नहीं मांगी और जो कानून है यानी जो डेफेमेशन का कानून है उसके हिसाब से उनको 2 साल की सजा का ऐलान हो गया। तो अब उनको सजा का ऐलान होने के बाद उनको जमानत मिल गई और अब वो हायर कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट में फिर से ये एक कहीं की केस की सुनवाई होगी, केस लड़ा जाएगा, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, हाई कोर्ट में मामला चला गया, तो फिर उनकी सदस्यता क्यों गई? दरअसल हुआ ये था कि साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, उस समय लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में सीबीआई की अदालत ने कन्विक्ट घोषित किया था और उसके बाद उनकी सदस्यता पर सवालिया निशान लग गया था कि वो अब संसद के सदस्य नहीं रह सकेंगे। उस समय वो यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री थे और सहयोगी होने के नाते या कहीं कि उस समय की राजनीति होने के नाते ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था इस पर भी खूब बवाल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अपने फैसले में कह दिया था कि यदि किसी व्यक्ति को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है और वो विधायक और सांसद है तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, वो विधायक या सांसद नहीं रह सकते कन्विक्टेड होने के बाद में। फिर आप भले जमानत पर रहे लेकिन आपको सजा तो हो गई, तो ऐसे लोगों को सजा याफ्ता कहते हैं। अब यहां पर जो मनमोहन सिंह सरकार थी वो दबाव में आई और उस समय चूंकि सरकार में सहयोगी थे लालू यादव, तो फिर उनके सदस्यता को बचाने के लिए या फिर उस तरह की जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसके खिलाफ एक कानूनी प्रावधान लाने के लिए उस समय संसद में एक बिल लाया गया और संसद में ये बिल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको पलटने वाला बिल था कि जो सजा हो जाएगी उसके बावजूद भी आप केस लड़ते रहिए, आपकी विधायकी या सांसदी नहीं जाएगी, ऐसा वो बिल था। लेकिन उस समय आप जानते हैं 2013 का ये वो दौर है जिस समय अन्ना गैंग काफी एक्टिव होती थी, उनका काफी असर होता था और सरकार को भ्रष्टाचार के मामलों पर बहुत बुरी तरह से घिरा जाता था। अन्ना आंदोलन आपको याद होगा, बुरी तरह से सरकार कटघरे में आ गई थी, सवालिया निशान खड़े हो गए थे। तो उस समय बीजेपी ने, लाल कृष्ण आडवाणी उस समय सदन में नेता थे, तो उन्होंने बहुत बवाल किया था, खूब हल्ला किया था। तो इस वजह से ये मांग की गई कि इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाए, जेपीसी को भेजा जाए और इस पर वोटिंग नहीं हो पाई, पास नहीं हो पाया, तो इसको जेपीसी को मंजूरी में मनमोहन सिंह सरकार को भेजना पड़ा। लेकिन अब क्योंकि जो लालू यादव है उनकी सदस्यता तो जानी थी, तो फिर ये हुआ कि एक ऑर्डिनेंस लेके आया जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई कानून नहीं बन पाता है तो सरकार जो है राष्ट्रपति की मंजूरी से ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश ले आती है और वो एक कानून की तरह ही होता है, लेकिन उसकी मियाद होती है कि आपको 6 महीने के अंदर इस कानून को संसद में पास करा लेना है, अदरवाइज ये कानून रद्द हो जाएगा जो ऑर्डिनेंस सरकार लेके आती है। तो उस समय प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, सरकार जो है एक ऑर्डिनेंस लेकर आई और उनके हस्ताक्षर के लिए उनको भेजा। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी विपक्षी नेताओं के साथ उनके पास गए और उन्होंने कहा कि आप इस पर जो है हस्ताक्षर मत करो, क्योंकि मीडिया ने बहुत बुरा माहौल खड़ा कर दिया था और भ्रष्टाचार के अन्ना गैंग जो है वो काफी बवाल मचाए हुई थी। तो फिर मजबूरी में
ये हुआ कि वो ऑर्डिनेंस पास नहीं हो सकता था, राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर उस पर नहीं किए। उस समय राहुल गांधी जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 27 सितंबर 2013 का वो दिन था जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया कि जो ये ऑर्डिनेंस है ये बकवास है, ये नॉनसेंस है, इसको फाड़ के फेंक देना चाहिए। ये उस समय का उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये वही ऑर्डिनेंस था जिससे आज उनकी सदस्यता जो है बच सकती थी, अगर वो कानून बन जाता, वो पास हो जाता तो आज उनकी सदस्यता बच सकती थी। लेकिन उस समय क्योंकि लालू यादव का मामला था तो मुमकिन है कि इनके सहयोगियों ने ये कहा होगा कि चूंकि सरकार की जो छवि है वो बहुत भ्रष्टाचार वाली बन गई है तो आप अपनी एंटी करप्शन वाली छवि बना लो कि देखो मंत्री भ्रष्टाचार हैं, अफसर भ्रष्टाचार हैं, लेकिन राहुल गांधी तो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो तो भ्रष्टाचार को मान नहीं रहे, और जो भ्रष्टाचारियों के सदस्यता को बनाए रखने वाला कानून था उसको उन्होंने रद्द करने की मांग की, उसको फाड़ दिया, उसको फेंक दिया, उसको बकवास कहा। तो शायद ये मंशा इनकी रही होगी उस समय, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको फाड़ने की बात करते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चल रही है और कहा जा रहा है कि ये वही ऑर्डिनेंस है जिसको उन्होंने फाड़ा था। मैं आपको साफ कर दूं कि दरअसल ये वो ऑर्डिनेंस वाली तस्वीर नहीं है, उन्होंने बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इसको फाड़ के फेंक देना चाहिए, फाड़ा नहीं था। जिस चीज़ को ये फाड़ के फेंक रहे हैं दरअसल वो यूपी में एक चुनाव रैली की तस्वीरें हैं जिसमें वो BSP और SP के चुनावी वादों की एक लिस्ट को पढ़ते हैं और फिर उसको फाड़ के फेंक देते हैं कि ये देखो सरकार ने तो पूरा नहीं किया। वो उस समय अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और बेंजी पर हमला बोलते हैं और उनके वादों की लिस्ट को फाड़ के फेंकते हैं। तो ये तस्वीर मैं आपको साफ कर दूं क्योंकि आज के दिन फेक न्यूज़ और न्यूज़ में फ़र्क करना बहुत मुश्किल है। तो ये तस्वीर उस समय की है, ये ऑर्डिनेंस इन्होंने नहीं फाड़ा था लेकिन फाड़ने की बात ज़रूर की थी। तो उस समय राहुल गांधी ने जो 2013 में स्टैंड लिया था वो स्टैंड आज अगर आप देखेंगे तो उसी की वजह से इनको अब अपनी सदस्यता सांसदी गंवानी पड़ी है। यहाँ ये गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि जो लालू यादव जैसे लोग थे, DMK के कई नेता थे उस समय पर, जिनको अलग अलग तरीके से कथित भ्रष्टाचार के मामलों में फंसाया गया, उनको जेल भेजा गया और उनकी सदस्यता भी चली गई। उस समय कांग्रेस सरकार में थी, हालांकि लालू यादव पर जब केस शुरू हुआ तो वो नरसिंह राव की सरकार थी, बाद में उनके दौरान ही वो मामले दर्ज हुए थे। लेकिन CBI ने जब अपनी रिपोर्ट दाखिल की, चार्जशीट की, कोर्ट ने फैसला सुनाया, उस समय मनमोहन सिंह ही सरकार में थे और CBI तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, यानी सीधे सीधे मनमोहन सिंह सरकार के पास CBI थी। वो चाहते तो लालू यादव को बचा सकते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब देखिए जो विपक्षी नेताओं के साथ आप आज खड़े होने की बात करते हैं, उस समय आपके जो सहयोगी लोग थे उनके साथ आप उस तरह से खड़े नहीं हुए थे, आज आपके ऊपर आंच आ गई है। यानी उस समय तभी हम कह रहे हैं कि तब लालू शिकार थे, आज राहुल गांधी शिकार हैं। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता पर इस तरह का शिकंजा कसा गया है, उनको शिकार बनाया गया है। राहुल गांधी को लेकर अभी कांग्रेस पूरी तिलमिलाई हुई है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, बवाल हो रहा है, लेकिन तमाम ये लोग भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो अपने खोदे हुए खड्डे में ही जाकर गिर गई है, उन्होंने अगर इस तरह से नहीं किया होता तो आज इस तरह के माहौल नहीं होते। कांग्रेस ने जो काम किए हैं उसके वजह से उनको अभी नुकसान हो रहा है। और दूसरी ज़रूरी चीज़ यहाँ पर यह है कि कांग्रेस ने जो किया सो किया, लेकिन वर्तमान मोदी सरकार जो कर रही है उसे भी आप तानाशाही की पराकाष्ठा कह सकते हैं कि किस तरह से विपक्षी नेताओं को जो उन पर सवाल या निशान उठाते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। इसको हम लोकतंत्र की परिभाषा में कहें तो ये तानाशाही रवैया ही है कि विपक्षी नेताओं को एक एक करके निपटाया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव जब चुनौती देने की स्थिति में होते हैं क्योंकि वो विपक्ष को एकजुट कर सकते थे, नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते थे, तो उनको जेल में डाल दिया गया और अब वो कभी बाहर नहीं आएंगे, हमेशा उनको जेल में रहना पड़ेगा, सजा उनको हुई है चारा घोटाले में, तो उनको ठिकाने लगा दिया गया। उनके बेटे जो हैं तेजस्वी यादव, आप जानते हैं उनके ऊपर भी CBI और ED के तमाम छापे पड़ते हैं। अभी उनको मार्च महीने तक जो है, इस महीने के अंत तक जो है गिरफ्तारी से छूट है। CBI ने उनके खिलाफ जो है काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन की है, उन पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। तो मुमकिन है कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव की भी गिरफ्तारी हो जाए और उनको भी CBI जो है इस तरह से जेल में डाल सके और बाद में फिर उनकी सदस्यता रद्द हो जाए या उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि बिहार का जो नीतीश और तेजस्वी का गठबंधन है वो नरेंद्र मोदी को 2024 में टक्कर देने की अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं, तो उनको ठिकाने लगाया जा सकता है। इस मामले में आप देखेंगे बहुत सारे विपक्षी नेताओं ने कोई ज़रूरी कदम
नहीं उठाए। मनीष सिसोदिया जेल में गए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि आजम खान की सदस्यता गई, उनके बेटे जो हैं अब्दुल्ला उनकी सदस्यता चली गई, उनको भी तो विधायक की सांसदी गंवानी पड़ी। लेकिन उस समय एक टेस्ट रन जो सरकार कर रही थी, विपक्ष भी उस तरह से एकजुट नहीं हुआ कि कैसे ये अब सरकार कर रहे हैं। उस समय भी अगर एकजुट होते, अपनी ताकत दिखाते, तो सरकार को शायद थोड़ा डर लगता। लेकिन अभी तो क्योंकि खुली छूट है, उस समय ये विपक्षी नेता भी आपस में बिखरे हुए थे। लेकिन अब जो है आकर इनको ये बात माननी पड़ रही है, अब सदस्यता चली गई है, तो ऐसे में उनके पास ये कोई ज़्यादा विकल्प बचे नहीं हैं, क्योंकि उनके चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लग सकती है और आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए और मुश्किल हालात हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी जो अपने कांग्रेस मुक्त भारत का ऐलान करते हैं, उसको हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो भी मुमकिन हो। लेकिन फिर भी हम यहाँ ये ज़रूर साफ कर दें कि विपक्षी नेता के तौर पर राहुल गांधी पिछले काफ़ी समय से ज़बरदस्त काम कर रहे थे। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, एक बड़ी यात्रा थी। उसके अलावा चाहे वो राफेल का मामला हो, उन्होंने खूब हल्ला किया था, और अभी अडानी का जो मामला हो उसको लेकर भी वो बहुत कहें कि मजबूती से डटे हुए थे। तो इस बात को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि क्या उनके इस रवैये की वजह से उन्हें टारगेट किया गया है, इस वजह से उनकी सदस्यता ही खत्म कर दी गई है, उनको शिकार बनाया गया है। लेकिन ये मोदी सरकार का रवैया जो है, इसको लोकतंत्र की परिभाषा में, कहीं की राजनीति की परिभाषा में, इसको तानाशाही ही कहा जा रहा है। लेकिन विपक्ष के लोगों पर भी सवाल है कि क्या वो एकजुट होंगे, क्या वो एक बीच का रास्ता निकालेंगे, और अगर सरकार तानाशाही रवैये पर हावी है तो क्या उनको रणनीति बनाकर उनको हरा पाएंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। गंभीर मामला है राहुल गांधी की सांसदी चला जाना, लेकिन क्या विपक्ष नेताओं का जब बाकी लोगों के साथ ऐसा होगा तो विपक्ष का क्या रवैया होगा, तब वो किस तरह की रणनीति बनाते, ये सवाल भी खड़ा होता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या समझ है, आप क्या सोचते हैं, वो लिखें, कमेंट करें। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो इन अकाउंट्स की डिटेल्स में UPI के जरिए, अकाउंट नंबर में, या फिर QR कोड को स्कैन करके आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपसे अपील है कि हमारी अंबेडकरवादी जो टीम है, जो पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, उनका हौसला बढ़ाएं। आपसे अपील है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक। Thank you.